नालंदा में फिर कई जगहों पर आगजनी की गई है। गोदाम और दुकान के साथ ही घरों में लगाई गई है आग। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। शोभा यात्रा को लेकर कल हुई थी सामुदायिक झड़प। हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त, जीएम और एसपी फील्ड में मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां नालंदा में एक बार फिर कई जगहों पर आग लगाई गई है। कई दुकानों को, कई गोदामों को और घरों में आग लगा दी गई है। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जुटी हुई है। शोभा यात्रा को लेकर कल हुई थी सामुदायिक झड़प। हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त, जीएम और एसपी फील्ड में मौजूद है। तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर जुलूस के समय बवाल की है, दूसरी तस्वीर गोलीबारी में जो लोग घायल हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर नालंदा में धारा 144 लागू की गई है, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पीठ में भी गिरा है? पीठ में नहीं है। कहाँ गोली लगा था? यहाँ लगा है और यहाँ से टकराते हुए इधर लगा था। ए बाबू, थोड़ा सा हमको सहयोग करो तो। कहाँ पर ये हुआ था घटना? गोली चलाया था, हम बैठे हुए थे, बहुत अच्छा बस एक लगता गोली चलाया, फिर हम देखे तो मेरे को लगा पत्थर लगा हुआ था, फिर देखे तो फिर खून बहने लगा, भैया उठे तो बोले अच्छी लगा हुआ गोली लगा हुआ। तो देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में कि किस तरह से जमकर हंगामा किया गया, आग लगा दी गई है कई दुकानों में, कई गोदामों में, गाड़ियों को भी पूरी तरह से जला दिया गया है। बुरा हाल हुआ पड़ा है। प्रशासन अपनी तरफ से हर स्तर पर निपटने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, आप देखिए किस तरह से हिंसक झड़प इतनी ज़्यादा उग्र हो गई है कि लोगों ने गाड़ियों को भी जला दिया है और साथ ही लोगों के मन में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। नालंदा में रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों में रोड़ेबाजी हुई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए, 6 लोगों को गोली लगी और अब इलाके में धारा 144 लागू की गई है। अभी तो स्थिति शांतिपूर्ण है और सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है और पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अभी तो हम लोग जो यहाँ के इलाके हैं उसमें पेट्रोलिंग पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन सभी चीज़ों को CCTV के फुटेज आधार पर और लोगों के जानकारी के आधार पर पूरी चीज़ देखी। हाँ, काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, जो ऑन द स्पॉट भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ बाद में भी जो लोग थे उसमें से भी 2 दर्जन से ज़्यादा लोग। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार जुड़ गए हैं। शिव, फिलहाल देखिए कई दुकानों में और कई ऐसे गोदाम हैं, घर हैं, जहां एक बार फिर से आग लगाने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्या अपडेट है आपके पास इस मामले पर? जी, मैं कल बता दूं कि कल जो घटनाएं घटी थी, कल शाम से लेकर रात तक में जो घटनाएं घटी थी उसी के जवाब में, क्योंकि दो समुदायों के बीच में ये झड़प हुआ था और ये रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया था। तो जो एक पक्ष है उन्होंने कल कुछ कारनामे दिखाए, तो आज के भी पक्ष जो है वो कई गोदामों और गाड़ियों में आग लगाई, आज सुबह में भी आगजनी की। हालांकि मौके पर अगर बताएंगे तो पर्याप्त बल अभी सुरक्षा के लिए वहां रखा गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी घटनाएं जहां तहां हो रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए शिव, यही बड़ा सवाल है कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, बावजूद इसके क्या सुरक्षा की यही व्यवस्था की गई है, जहां लोग मान नहीं रहे हैं, लगातार आग लगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जी निश्चित तौर पर शुरू में ही थोड़ा सा कम यहाँ पे बल का उपयोग किया गया था, अगर पर्याप्त रूप से अगर बल होते तो इस तरह की घटना नहीं घटती, इसमें पुलिस की नाकामी दिखती है। हालांकि अभी जो है वो देखिए, पटना से प्रमंडलीय आयुक्त भी आए हुए हैं कुमार रवि और साथ में जिलाधिकारी से लेकर यहाँ पे पुलिस अधीक्षक और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे सब जगहों पे जाकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आपको शांति, साथ ही यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त नहीं। तो सिर्फ यही बड़ा सवाल है ना कि जब बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, DM पहुंचे हुए हैं और लगातार जांच की जा रही है मामले की, तो आखिर बावजूद इसके लोग बाज क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों इस तरह की घटना और ज्यादा उग्र हो रही है, क्यों उपद्रवियों को कंट्रोल कर पाने में पुलिस बिल्कुल लचर है?
देखिए उपद्रवी ऐसे होते हैं कि छुटपुट घटनाएं कहीं पर भी है, जैसे जो बहुल इलाका जहाँ पे है वहाँ पे किसी दूसरे समुदाय की अगर दुकान है या दूसरा मकान है या गोदाम है तो वहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं देकर वो फटे अपने गली या मोहल्ले में घुस जाते हैं, तो पुलिस हर जगह पे पेट्रोलिंग या उसका हर गली पे पुलिस बल दे पाना ये संभव नहीं है। अभी तत्काल जितना पुलिस बल यहाँ दिया गया है वो मेन सड़कों पर दिया गया है और धारा 144 लगाई गई है, नेट की सेवाएं यहाँ पे बाधित कर दी गई है, बंद कर दी गई है। तो ये सब जो पहल है वो ठीक है शिव, लौटूंगी आपके पास।